मिस्टर वीएन त्रिपाठी ने सवाल किया है कि जब हम तितली लिखते हैं तो हमें दो बार ते लिखने की क्या ज़रूरत है, हम एक बार ते लिखें और फिर तशदीद लगा दें। वीएन त्रिपाठी जी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, जहाँ भी मैंने, जिस सबक में भी मैंने तशदीद का इस्तेमाल बताया है, वहाँ आपको ये बात बताई है कि किसी हर्फ पर तशदीद तब इस्तेमाल होती है जब वहाँ वो हर्फ पहले आधा हो और फिर पूरा हो। जैसे तशदीद की बात है तो जैसे पहले आधा ता है और फिर ता, अगर ये होता तब तशदीद का इस्तेमाल होता। लेकिन यहाँ पर देखिए, तित यानी ये आधा नहीं है, आधा तो ता ये बाद में आया है, यानी हलंत हलंत वाला ता तो ये बाद में आया है, तितली। जैसे आपको बताऊं कि कहाँ पर तशदीद आएगी ते पर, जैसे एक लफ्ज़ लें आप, बत्ती, बत्ती यहाँ पर पहले आधा ता है फिर पूरा ता है, बत्ती, इसलिए ते पर तशदीद आई है, ते एक बार है क्योंकि पहले आधा ता है और फिर पूरा ता है, बत्ती, इसलिए ते पर तशदीद आई है। अगर ये बत्ती के बजाय बतती होता, बतती, तो ते दो बार लिखा जाता, बतती होता तो ते दो बार लिखा जाता, लेकिन बत्ती पहले आधा ता है फिर पूरा ता है, इसलिए ते एक बार लिखा गया है और फिर उस पर तशदीद है, बत्ती। इसी तरह एक और शब्द ले लें, रत्ती, अब पहले आधा ता है फिर पूरा ता है, इसलिए ते एक बार लिखा गया है और उस पर तशदीद आई है, रत्ती, रत्ती। अगर ये रतती होता तो तशदीद नहीं आता और ते दो बार इस्तेमाल होता। इसी तरह एक और शब्द ले लें आप, दिल्ली, दिल्ली में आधा ला है और फिर उसके बाद पूरा ला इस्तेमाल हुआ है, इसलिए लाम एक बार इस्तेमाल किया गया है और उस पर तशदीद दी गई है, दिल्ली। अगर दिलली होता तो तशदीद नहीं होती और लाम दो बार इस्तेमाल होता, दिलली। इसी तरह एक और शब्द ले लें, बिल्ली, पहले ला है, पहले आधा ला है फिर पूरा ला है, बिल्ली, बिल्ली, इसलिए लाम एक बार लिखा गया है और उस पर तशदीद है, ये बिलली नहीं है, अगर बिलली होता तो तशदीद नहीं होता और फिर लाम दो बार लिखा जाता, बिलली होता, ये बिल्ली है, इसलिए तशदीद वहीं इस्तेमाल होता है जहाँ पर वो आवाज़, वो हर्फ पहले आधा हो फिर पूरा हो,